क्या तुम यहाँ मेरा आशीर्वाद लेने आए हो? आपको आशीर्वाद देने आया हूँ। ये लेटेस्ट फिल्म की ओरिजिनल डीवीडी है, आप देखना चाहेंगे? टीवी फिल्में इन सबसे मुझे परहेज है भाग। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि सीन है, आपको देखना ही पड़ेगा। इतना पीछे पड़े हो तो दिखा दो। इसमें गलत क्या है? इसमें भक्ति रस है बेटा। वो तो है, देखिए आगे रस टपकेगा। दुनिया भर की मदद करते फिरते हो, मेरी मदद कब करोगे स्वामी जी? शांति तो नहीं जानती, राजेश्वरी एक नंबर की बेवकूफ है। मैं उसे चूना लगा लगा के पैसे ऐंठता। राजेश्वरी तुम्हें पैसे देगी ना? राजेश्वरी से अब तक 4 करोड़ बना चुका हूँ, आगे भी उल्लू बना बना के मोटा माल अंदर करूंगा। तुम देखती जाओ कैसे मैं उसी के पैसों से अपने लिए बंगला गाड़ी खरीद के अपनी लाइफ सेट करता हूँ। पहले अपनी लाइफ सेट, फिर तुम्हारी। अभी मैं नौपति, बाद में अरबपति और राजेश्वरी रोडपति। कब कैसे मेरे काले कर्म कैमरा में कैद किए भगवान, अब उसे नेट पर अपलोड करोगे? शेर के हाथ हिरन का बच्चा लगता है तो वो जलसा करने लगता है। यहाँ तो भैंसा मिल गया है, सीधा टीवी पर टेलीकास्ट कर दूंगा। ये बताओ मुझसे क्या चाहते हो भगवान? आई लाइक यू। शाबाश पंडित जी। भगवान इनको तुमने सब बता दिया क्या? मुझे जल्दी से वो डीवीडी दे दो ना। जब तक ये शादी पूरी नहीं हो जाती डीवीडी मेरे पास ही रहेगी। हमें पैसा दे दीजिए वरना आखिरी बार छूट जाएगा। जब तुमसे पैसा मांगता है तुम ऐसा टाटा क्यों करता? टाटा है नहीं कर रहा, पैसा उससे। पंडित जी ये लोग भाड़ा मांग रहे हैं, इन्हें अपने साथ ले जाओ और सबको उनके पैसे दे दो। जाओ आओ सब लोग मेरे साथ। कन्या तुम्हारा नाम क्या है? नताशा। शास्त्री नगर में रहती? नहीं, सेक्टर 2 में। शर्वना, मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। क्या करेगा उसका? पाइप के अंदर बीड़ी डाल के फूंक रहा हूँ, हालत पतली हो गई है। बोलो सासुमा। जमाई जी, मैंने कल आपको और जेपी को पार्टी में देखा था। जेपी? ओ जग्गू पीड़े। अरे आपके लिए वो जेपी होंगे, आप उनके लिए तो जग्गू भाई है, वो आप उनका लंगूटी है। क्या ओवर एक्टिंग थोड़ी ज्यादा नहीं हो रही? बहुत ज्यादा बोल रहा है। नहीं मैं न्यूज वालों को फोन करके फिल्म दिखाऊं क्या? कौन सी फिल्म शास्त्री जी? फ्लॉप फिल्म है जाना। जमाई जी आप इतने बड़े आदमी को जानते हैं फिर भी इतने सिंपल हो। अरे सासुमा ये मस्का लगाना बंद करो, जल्दी बोलो अपने पास टाइम नहीं है। मैडम अपने बेटे की शादी जेपी की बेटी के साथ कराना चाहती है। अरे अचानक आप खड़े क्यों हो गए? बैठ जाइए ना। नहीं नहीं मामला थोड़ा सीरियस लगता है, आप उन खड़ा होकर सुनेगा, आप बोलो ना। जमाई बाबू अगर हम राज की शादी जेपी की बेटी से करा दे तो हम दोनों एक जैसे स्टेटस वाले एक दूसरे के समधी बन जाएंगे। अरे जेपी कहाँ और आप कहाँ सासुमा, जानती आप क्या कह रही हैं? अरे आपका स्टेटस देखो, उनका स्टेटस देखो। आपको कहीं जाना होता है तो आप फ्लाइट का टिकट बुक कराती है ना, लेकिन वो तो अपना प्लेन लेके जाता है। आपकी कार का टायर पंक्चर होता है तो आप दूसरा टायर लगवाती है ना, वो तो कार ही बदल डालता है। किसी भले आदमी को धोखा देना ठीक बात नहीं है सासुमा। सासुमा अगर अपुन आपको लो क्लास लगता है ना तो जेपी के लिए आप लो क्लास हो। जमाई राजा ये आपकी सास यानी माँ है, तुम्हारे अलावा इनका और है ही कौन? सॉरी सासुमा। कोई बात नहीं, उसको आपकी माफी का अमीर होने पे ज्यादा घमंड नहीं है, वो तो अपुन जैसे आम आदमी की भी दिल से इज्जत करता है। उसकी नजरों में गिर जाऊं क्या? नहीं जमेगा रे बाबा। आप कहेंगे तो जेपी जरूर मान जाएंगे, एक बार मेरे लिए कम से कम बात करके देखिए। ठीक है एक मिनट रुको, आप उनको फोन करके देखता है। मेरा फोन ले लो, कैमरा फोन। नया नंबर वो उठाता नहीं है।
हेलो शर्वना। हेलो जगू पीड़ा साहब, अभी किधर है आप? मैं चाय के ठेले पर बैठा हूँ, पिछवाड़े मच्छर मार रहा हूँ। अपन को आपसे मिलना था। नहीं आज मैं किसी से भी नहीं मिल सकता, एक ही कोट है वो भी धो के सूखने को टंगा है। ये धोबी बोल रहा है जब तक पैसे नहीं दोगे कोट नहीं दूंगा, और ये चाय वाला भी उधार नहीं दे रहा। मैं सुबह से भूखा हूँ, आई एम हंग्री। अच्छा अच्छा, हंग्री में लंच करने गए हो क्या? हंग्री में लंच? 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट को देखे 2 दिन हो गए। मुझे 5 रुपए दो ना। एक्चुअली हाँ ओके साहब, आप आएंगे ना पक्का? ओके साहब, ओके थैंक यू। सासुमा वो हंगरी में हंगर मिटा रहे हैं, तो कल वो आप उनके घर पे आ जाएंगे, मिल लेना उनसे। थैंक्स मैडम, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं इंस्पेक्टर था मैडम, लेकिन अब ACP बन गया हूँ। इनको हमारे फ्रॉड का पता चल गया क्या? पुलिस आके बैठी है, वापस चल रही क्या? जेपी सर आइए ना। आइए जेपी साहब, नमस्ते। ऐसे मैंने कहीं देखा है? मैडम आपको जिसने धोखा दिया है उसको 24 घंटे के अंदर मैं जेल में डाल दूंगा। जरूरत पड़े तो एनकाउंटर कर देना। पुलिस को देख के डर गाई को रह रहा है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर से मारी। चलो कैरेक्टर में आ जाओ। डम डम राजेश्वरी मैडम, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आप जैसे छोटे घर में नहीं करवा सकता, लेकिन शर्वना ने बोला तो मैंने अपना दिल खोला और मैं मान गया, तो 100 बात की 1 बात मैं आपका समधी बनूंगा। ये खबर सुन के मेरा दिल तो खुशी से झूम उठा। कंट्रोल योर दिल, मेरी 3 शर्तें भी हैं, मंजूर हो तो हाँ कहो वरना टाटा बाय बाय खाली वाली। अरे ये क्या कंडीशन सुपर लेट के बताएगा? कंडीशन नंबर 1, हम ना दहेज देते हैं और ना ही लेते हैं, आई हेट दैट। कंडीशन नंबर 2, आप हमारी बेटी को इस घर की बहू बनाना चाहती है ना, हम आपके बेटे को हमारा जमाई बनाएंगे। कंडीशन नंबर 3, हमारी हैसियत के हिसाब से हम हमारी बेटी की शादी प्लेन में करा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम हैं सेंटिमेंटल फूल, इसलिए हम हमारे खानदान का एक उसूल निभाते हुए हमारी बेटी की शादी गांव में कराएंगे। अगर आपको ये 3 एयर कंडीशन मंजूर है तो बताइए, वरना हम रिवर्स गियर में यहाँ से चलते हैं। दहेज घर जमाई ये सब तो ठीक है, चल जाएगा शास्त्री जी, लेकिन ये शादी अपने गाँव में करना चाहते हैं, वहाँ कोई ऐशो आराम नहीं होगा। मेरी बेटी की शादी तो जैसे तैसे करके हो गई, कम से कम अपने बेटे की शादी में मैं सारे VIPs को बुलाकर धूम मचाना चाहती हूँ। अगर मैंने ये शादी चुपचाप कर दी तो लोग राजेश्वरी मैडम की शानो शौकत कैसे देखेंगे? अरे पंडित तू क्या बकने का मुहूर्त ढूंढ रहा है? अरे मुझे कुछ सोचने का मौका तो दो ना। मैडम धूमधाम से शादी करना जरूरी नहीं है, लेकिन शादी के बाद धूम मचाना जरूरी है। जेपी के साथ आपका रिश्ता जुड़ गया, ये बात अगर लोगों को पता चल गई तो इंडिया में क्या फॉरेन में भी आपके नाम के चर्चे हो जाएंगे मैडम, इसीलिए जेपी की 3 शर्तें मान लीजिए और शादी हो जाने दीजिए बस। दिमाग की दही मत करो सासुमा, अगर मंजूर नहीं है तो बोल दो, जेपी यहाँ से वोट लेगा। जेपी सर मुझे आपकी सारी कंडीशंस मंजूर हैं। जल्दबाजी में फैसला ना करो, सोचो। सोचने की बात ही नहीं है जमाई जी। हाँ। इनसे कहो कि मुझे इनकी हर बात मंजूर है। ठीक है सासुमा। गुलाब से हो गया जुलाब, जुलाब। जेपी साहब आप उनकी सासुमा तो राजी हो गई है, अभी आप तैयार हो जाओ। तुमने बोल दिया है तो हमें क्या बोलना, मैरिज ओके। एनीवे हमने सोचा है कि हम बच्चों की शादी जल्दी करवाएंगे, अगले हफ्ते गांव में एक फंक्शन है वहीं शादी हो जाएगी, लेकिन तब हम यहां मौजूद नहीं रहेंगे, तभी हमें विदेश जाना है बिजनेस के लिए। ये पकड़ो, तुम लड़के वालों की तरफ से नहीं लड़की वालों की तरफ से हो, सब लोग कान का मैल निकाल के सुन ले, आज से जेबी यानी शर्वना, शर्वना यानी जेबी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे प्राइवेट जेट से शादी में आने की, अगर कोई इमरजेंसी हो या फिर अर्जेंसी हो तो फिर हमें तार भेजना। शर्वना हम अपने दूल्हे को नया प्लेन गिफ्ट करना चाहते हैं, CNG वाला करेंगे। कम लपेट वरना जूते पड़ेंगे। ओके, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ, शादी एंजॉय करना, प्लेन का पंखा जाम नहीं हुआ तो शादी में आऊंगा। शर्वना तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे भूल मत जाना, मैं चाय के ठेले पर जा रहा हूँ, 20-30 छुट्टाए तो देना, जेब में हाथ दिखा के छोड़ेगा मत, जरा दिखता हूँ देना। ये ले, इतना बड़ा 10 का नोट, इसमें तो चाय खारी भी नहीं आएंगी। अभी मेरे पास इतना ही चाय, चल निकल, ले जा इस भिखारी को। थर्रा कैसे पियेंगे? कोट बेच के पियेंगे। चलो ये रास्ता
रास्ता इतना खराब क्यों है? शॉर्टकट है क्या? अरे मेन रोड ऐसे ही चलता रहा तो पूरी बॉडी के स्टू ढीले पड़ जाएंगे। इसमें तो बहुत झटके लग रहे हैं। अच्छा भाई, प्लीज ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पंडित सुनना, तेरी डीवीडी सबको दिखाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, कौन सी सीडी? हम भी देखेंगे। चुप करो। कुछ नहीं मैडम, फिल्म वाली सीडी, ताकि इनका और आपका मन लगा रहे। कॉमेडी फिल्म की सीडी है ना मैडम। राजेश्वरी जी, आपका राजयोग बस शुरू हो गया है। इस उबड़ खुबड़ रास्ते पर जाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। अब देखना लाइफ का पहिया कैसे घूमने लगेगा। अरे लाइट छोड़ो, कार का पहिया निकल गया है और हम लोग नीचे गिरने वाले हैं। ये क्या हुआ? इतनी शानदार कार थी, एकदम खटारा बन गई है। ये क्या हो गया मैडम? कहाँ राजयोग शुरू होने वाला था, भिखारी योग शुरू हो गया। कैसा पंडित है ये? जमाई, मैकेनिक को फोन करके बुलाओ और हमारी गाड़ी ठीक करवाओ। फोन करने से कुछ नहीं होगा, उसको जाके बुलाना पड़ेगा। तो जाओ जाके बुलाओ। अरे उसके लिए 40 किलोमीटर चल के जाऊँ क्या? तो ओला या उबर को बुला लो ना। यहाँ पे कोई ओला या उबर नहीं मिलती। यहाँ जो कार आती है वो खराब हो जाती है, टैक्सी यहाँ मिलती नहीं। ऐसे गाँव में आखिर जेपी कैसे आता होगा? अरे जेपी अपने हेलीकॉप्टर में आता है। छोड़ो ये सब, अब बताओ कि हम गांव कैसे जाएं? और नहीं चल सकते, और चली तो बेहोश हो जाऊंगे। सासू माँ, अभी चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेपी का पैलेस आ गया है। सब लोग अपने राइट में घूमो। क्या ये जेपी का पैलेस है? पैलेस क्या, ये तो मुझे तबेला दिखाई दे रहा है। मारुति राव, मारुति राव। नमस्कार बाबू। ये अपना मारुति राव है। बस जी, नाम ही मारुति है, मेरे पास तो बैलगाड़ी भी ना है। सासू मदर, पूरे शाही पैलेस का ख्याल ही अकेला ही रखता है। इस जगह का ख्याल रखने के लिए भी कोई चाहिए क्या? अरे ले जी। हाँ ले। हाँ दो। सासू मदर दो ना। रुको, मैं इस तबेले में कैसे रह सकती हूँ? मैं यहाँ नहीं रहने वाली। जेपी भी इसी शाही पैलेस में रहता है, आपको रहना है कि नहीं रहना है बता दो, उसको बताना पड़ेगा ना। आईफोन लगाता हूँ। जमाई, किसको फोन कर रहे? जेपी को। पर क्यों? सासू माँ यहाँ पे रहना नहीं चाहती, तो ये बात उनको बतानी पड़ेगी। अरे फोन काटो और गुस्सा थूक दो। मैडम ये सोचिए, अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है जो जल्दी बीत जाएगा। सिर्फ 3 दिन तक कष्ट झेलना है, उसके बाद बस ऐश ही ऐश है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं नहीं, मैडम के ग्रह कह रहे हैं, उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होगा। शास्त्री जी, सिर्फ इसी वजह से तो मैं ये सब कुछ झेल रही हूं। इसी बात पे अंदर चलते हैं। कमिंग। क्या वो चूहे का बिल है? ये चूहे का बिल नहीं है। थैंक गॉड, मेरी तो जान निकल गई थी। सांप का बिल है। सांप का बिल? अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? बेचारा रात को आता है, सुबह किसी को डस के चला जाता है। इस घर में तो पंखा भी नहीं है, हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? अपन को भी यही बात खटक रही है। सासू माँ तो एसी के बिना एक पल नहीं रह सकती। सासू माँ को छोड़ो, इनका कुत्ता तक एसी के बिना नहीं रह सकता। सला यहाँ फैन भी नहीं है। एक मिनट, जेपी को फोन करके बोलता हूँ। ये सब क्या नाटक लगा रखा है? अपनी सासू पैसे के बिना रह लेगी, लेकिन एसी के बिना नहीं रह सकती। शादी कैंसिल कर दे। जमाई जमाई, उन्हें कॉल मत करो, एसी के बिना मैं काम चला लूंगी। 3 दिनों की तो बात है, जैसे तैसे एडजस्ट कर लूंगी। आर यू श्योर? हाँ श्योर। भगवान, एक लघु शंका है, क्या ये सच में जेपी का घर है? पंडित, इसको जेपी का घर समझ रहा है, उसका नहीं है। ये तो आपुन का पुश्तैनी वाड़ा है। जब आपुन के मदर फादर ने सासू को गांव में मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया था, तो उसने उनको घर से कचरा करके बाहर निकाल दिया था। आज आपुन ने उसका घर डाला। थैंक्स पंडित। अरे रे, पहली बार राजेश्वरी को कोई भारी पड़ा है, वो भी ऐसे कि शह और मां दोनों दे दी। धोखा दे के उन्हें अपने गाँव तक ले आया, पता नहीं आगे क्या होगा। बाबा, राजेश्वरी ने हमें चूना लगा दिया। ये क्या बोल रहा है? उसने आपसे वादा किया था कि वो आपको समधी बनाएगी, लेकिन वो हमें छोड़कर उस जेपी को अपना समधी बना रही है। उसने खुद आकर कहा था कि मेरी समधन बनेगी, ये अचानक उसने प्लान बदल क्यों दिया? सारी मुसीबत की जड़ उसका जमाई सरवना है। कल ही उसकी शादी एक छोटे से गांव में होने जा रही है।
ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहे किसी भी कोने में अपने बेटे की शादी करे, मैं ये नहीं होने दूंगा। ए, चलो सब। खाने के लिए आ जाओ। एक बात कहूं, घर भले ही छोटा है पर केले का पत्ता बड़ा है। वो तो रहेगा ही ना। पता है जब जेपी के घर पे एक कौवा भी आता है ना, तो कम से कम 14 प्रकार के पकवान खा के उठता है। क्या बात है जमाई, जेपी सर की सिर्फ जेब ही नहीं किचन भी पूरी तरह से भरा हुआ है। खोलो खोलो। ये क्या मग्गू, पत्ते के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रख दिया। पत्थर इसलिए रखा है कि कहीं पत्ता उड़ ना जाए। खाना आने तक चाहो तो इससे खेल भी सकते हो। समझ गए? अरे ओ अकल के अंधे, ये पत्थर नहीं है, खाना है। इसी को कांदा मिर्ची लगा के खाना पड़ेगा। क्या कहा, हमें ये पत्थर खाना पड़ेगा? यानी आज भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे तो लगा था कि यहाँ बढ़िया खाना खाने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं इसे देखकर मैडम का क्या हाल होगा। अच्छा है ना। अरे सासू मदर, आओ आओ बैठो बैठो। क्या ये गांव की कोई स्पेशल साइड डिश है? साइड डिश? अरे ये मेन डिश है, बाजरे का गोला है। बाजरा? या मैं तो क्या, ये मेरा कुत्ता भी नहीं खाएगा। देखो मेरे लिए फ्राइड राइस और नूडल्स मंगाओ। मैडम जी यहाँ बाजरे के अलावा कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मारुति राव, ये खाना सिर्फ अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाती है, तो तू ही बता ये नीचे बैठ के बाजरे का गोला कैसे खाएंगी? बराबर ना। उस दिन मैडम ने ये डायलॉग मारा था, आज जमाई राजा मार रहे हैं। सासू मदर सिर्फ आज की रात एडजस्ट कर लो। वो क्या है ना, कल गांव में महाराज आ रहे हैं, तो आप जो भी कहेंगे ना वो आपको वहीं पर बना के दे देंगे। ये खाना खाने से अच्छा मैं रात को भूखी सो जाऊं। नॉनसेंस, जो खाना कुत्ता नहीं खा रहा वो तुम बैठ के खा रहे हो। गेट अप, चलो जल्दी उठो। रे मैडम, हाथ में तो आया लेकिन मुंह में नहीं गया। मम्मी बिना खाए गुस्से में चली गई। तुम्हारी मदर का टेस्ट एकदम अलग है ना, भूख लगेगी तो अपने आप आ जाएगी। तू खा ले चल। फिलहाल तो मैडम की कुंडली के सारे ग्रह उल्टे पुल्टे हो रहे हैं, पर बस कुछ ही दिनों की बात है उसके। सुनो मुझे ब्रश करना है, मेरा ब्रश और पेस्ट लेकर आओ। मैडम पेस्ट और ब्रश तो मैं कार में ही भूल गया, मैंने सोचा था कि यहाँ पर आकर गांव में खरीद लेंगे, छोटी सी तो चीज है। तो ये गांव वाले कैसे ब्रश करते हैं? आधे से ज्यादा लोग तो ब्रश ही नहीं करते मैडम, और बाकी उंगली से काम चलाते हैं। सही कहा। ये बताओ मैं कैसे ब्रश करूं? सासु, आपको ब्रश चाहिए ना, मैं देता हूं। ये लो। इसको बोलते हैं दातून, इससे दांत घसोगी ना तो रात के अंधेरे में भी आपके दांत चमकेंगे। आज की फल राशि में लिखा है कि मैडम दातून से अपने दांत घिसेंगी। राशि फल में ब्रश के बारे में भी बताते हैं क्या? ब्रश क्या, कुछ तो ये भी बताते हैं कि टॉयलेट जाकर फ्लश कब करना है। जरूर तुम्हारी बेटी का नाम राशि ही होगा। मैडम अच्छे से ब्रश कीजिए, पानी दो इन्हें।